दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम दो क्वेश्चन दो दो पार्ट होंगे और वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है कई बार वो सिंगल पार्ट भी पूछ लिया जाता है या फिर वो साथ में भी पूछ लिया जाते हैं ठीक है थीके? अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन है अब इसके लिए आपको एनालिटिक फंक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए और मिलेंस फॉर्मूला जो होता है क्या होता है वो हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है तो आप आई टैप पे क्लिक करें या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जाएँ वो वीडियोज़ मिल जाएंगे हमारे इस प्ले से रिलेटेड सो बात करते हैं यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन के बारे में तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एनालाइटिंग फंक्शन जो होगा ठीक है ये u प्लस आयोटा वी होता है और एनालाइटिक फंक्शन अगर है तो वो एक हार्मोनिक फंक्शन होगा और वो इक्वेशन को करेगा ठीक है तो ये सारी हम डिस्कस करेंगे इस चीजों में सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन एक एनालाइटिंग फंक्शन है ठीक है थीके? चलो अब ये लाप्लास कंडीशन को भी करेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्चुअली क्या होगा सीआर इक्वेशन का मतलब होता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई दू माइनस डेल वी अपॉन एक्स ये सीआर इक्वेशन होती है ये इसको सेटिस्फाई करता है ठीक है सीआर इक्वेशन ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है नॉट सफिश तो क्या होता है इनकेज सफिशियंट ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है ठीक है फिर बात करते हैं लापलास कंडीशन जो की हार्मोनिक फंक्शन की होती है जिसको हम लापलास इक्वेशन कह दो लापलास कंडीशन कह दो उसको ये सेटिसफाई करता है यानी कि डेल टू यू अपॉन डेल् एक्स स्क्वायर प्लस डेल् टू यू अपॉन डेल् वाई स्क्वायर जो है वो वाई होगा ठीक है अब देखो अब हमको प्रूफ क्या करना है एक्चुअली हमको ये वाली चीज प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रे एफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इसका मतलब होता है ये ये रियल पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है और ये मॉड का मतलब हम आपको बता ही चुके हैं पहले भी बेसिक में बताया था हमने आपको नहीं तो आप सीधा समझ एफ जेड का मॉड निकालेंगे ठीक एफ जेड का मॉड निकालेंगे मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ यू स्क्तर प्लस वी स्क्वायर होता है Z, Z तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है और इसी को हमने लिखा है इस इस फंक्शन के फॉर्मेट में जेड के फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा है तो ये यू स्क्वायर प्लस यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट करना है आपको चलो तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ़ फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। पार्ट का पे करेंगे तो स्टार्टिंग से करेंगे? हम सबसे पहले कैसा फंक्शन है यू प्लस आयोटा वी है Now, ये हमने लेट कर दिया या फिर हमको गिवन है then, then, इसका जो रियल पार्ट होगा एफ जेड वो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसमें यू हो जाएगा और जो इमेजनरी पार्ट होगा एफ जेड का वो वी हो जाएगा और अगर हम इसका यहाँ पे मॉड uh, निकालते हैं तो वो मॉड क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मॉड निकाल लेते हैं तो मॉड क्या हो जाएगा रूट ऑफ यू स्क् जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था रूट ऑफ यू स्क्र प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा एंड वी कैन राइट एज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओके नाउ अब हम LHS की बात करते हैं LHS में हमको क्या चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए यानी कि डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर एंड अब z ये लेना ठीक है हम इसको ले लेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे नाउ हम LHS लाए लेकर RHS को प्रूव कर देंगे तो LHS हमको गिवन है डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर एंड रियल एवज क्या है यहाँ पे RE z का पॉल स्क्वायर ठीक है okay, RE abz तो हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया so रियल तो की बात हो रही है अच्छा यहाँ पे ओनली रियल की बात हो रही है ना हम यहाँ पे साथ में ले लेंगे सॉरी फॉर दैट तो हमने सिर्फ रियल का लेना है यहाँ पे तो रियल हम ले लेंगे तो ये रियल जो है क्या हो जाएगा यू स्क्वायर आ जाएगा अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना मतलब क्या करना डेल टू यू स्क्वायर ठीक है इसका मतलब हो जाएगा डेल टू यू स्क्सर प्लस क्या हो जाएगा डेल टू यू चलो, अब हम इसको करेंगे। this is our equation number, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बारे में चलो इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स ठीक है इसका मतलब यही हो जाएगा डेल अच्छा स्क्वायर है ना यहाँ पे भी तो अपॉन क्या हो जाएगा एक्स इसका मतलब यही होगा इसको कर देते हैं तो देल देल एकस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा टू यू डेल यू अपॉन डेलेक्स हो जाएगा ठीक है टू यू हो जाएगा एंड डेलू अपन डेलेक्स हो जाएगा अगेन आपको इसका इसके रेस्पेक्ट में करना टू को बाहर ले लेंगे u का करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेलेक्स और डेल u अपॉन डेलेक्स इधर है तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस भी लगा रहे हैं ना अब हम क्या करेंगे इसका करेंगे इसकी वैल्यू फाइन कर लेते हैं नाउ क्या लेंगे हम यहाँ पे डेल टू यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर वी कैन राइट डेल अपॉन डेल एक्स और ये क्या आ जाएगा डेल टू यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई ठीक है यहाँ पे वाई आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डेल वाई हो जाएगा हमको तो इसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या हो जाएगा डेl अपॉन डेl y हो जाएगा ये आगे आ जाएगा टू u डेl u अपॉन डेl y हो जाएगा अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू बार आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेl u अपॉन डेl y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा डेl टू u अपॉन डेl y स्क्वायर ओके नाउ इसको हम लेट कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 4 अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे ठीक है जैसा कि हमको कहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम ऐसा कर ना डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्ल वाई स्क्वायर को, so we'll को यू कॉमन ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड से ठीक है तो वो किसके इक्वल होगा टू पूरे में से कॉमन आ जाएगा पूरे में से टू कॉमन आ जाएगा देन वी कैन राइट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो यू है इसको हम लिखेंगे ना इसको लिखेंगे तो ये यू के साथ में इस पूरे को एक लिख दें एक सेकेंड यहाँ पे यू रहेगा बार, एक पे यू भी तो आएगा ना यहाँ पर भी यू आएगा ठीक है यहाँ पे यू भी आएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे चलो अब क्या होगा इसको जब एड करेंगे तो क्या करेंगे ये डबल डेरिवेटिव वाले दोनों टर्म्स है इनमें से यू कॉमन लेके इनको साथ में लिख देंगे तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड देन ये वाला टर्म बचा प्लस ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई का अब क्या करना है यहां से हम लाप्लास कंडीशन को यूज कर लेंगे सो बाय यूजिंग द लाप्लास कंडीशन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लापलास कंडीशन का यूज करेंगे तो देखो एनालाइटिक फंक्शन हमको बोला है एफेड इज एनाइटिंग फंक्शन हम लिखेंगे फिर एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन होगा तो इट सेफाई दिस कंडीशन और ये वाली जो कंडीशन होती है इसी को अपन क्या कहते हैं लाप्लास कंडीशन कहते हैं तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और यू को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब होता है डेल टू यू इज इक्वल टू जीरो तो ये पूरा जीरोन राइट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू और यहाँ से क्या हो जाएगा ये यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में डेल यू अपॉन डेल वाई ऑल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर ठीक है आगे पीछे कैसे भी देख सकते है कोई जरूरी नहीं चलो अब ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर फाइव ठीक है हमने यहाँ पे इक्वेशन फोर दे दिया था इक्वेशन फाइव अब इस इक्वेशन फाइव से हमको प्रूव क्या करना है एक्चुअल एक्चुअल में हमको इधर लाना क्या हमको लाना है टू एफ डैस जेड अब देखो ये टू कहा आ गया अब एफ डैस जेड मॉड स्क्वायर क्या निकालना है एफ डैस जेड मॉड स्क्वायर तो क्या करना पड़ेगा अब एक्चुअली ये एफ जेड डैस एक्चुअली ये किसके इक्वल है ये इक्वल है, F -Z का के इक्वल है है का स्क्वायर के बट हमको प्रूव करना पड़ेगा कैसे इक्वल हमको बताना पड़ेगा तो क्या करेंगे नाउ नाउ हम लिखेंगे इज टू ठीक है अगर मैं बात करूफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी हो जाएगा तो अगर मैं एफ डैस निकालू यहां से तो उसका मतलब क्या हो जाएगा एफ डैस का मतलब सीधा सा क्या हो जाएगा यहां पे अगर मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर देता हूं अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर दूं

ठीक है और ये रूट था जो स्क्वायर लिख दिया बट आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे वाई है यहाँ पे वाई नहीं है वाई के नीचे वहां पे एक ये है ना यहाँ पे वी के नीचे वाई है बट यहाँ नहीं है तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक सेकेंड वी भी तो नहीं होगा ना यहाँ यू ही होगा सॉरी यहाँ पे यू यह है मतलब यह यहाँ पे ये वाला टर्म है यहाँ पे हमको रिप्लेस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे बाई यूजिंग बाई यूजिंग सीआर इक्वेशन हम क्या करेंगे यहाँ पे सीआर इक्वेशन का यूज कर लेंगे सीआर तो इक्वेशन का यूज करने पर हमको क्या मिलेगा यहाँ से मॉड अच्छा सीआर इक्वेशन मैंने आपको ऊपर बताया था सीआर इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा था सीआर इक्वेशन में जो हमारा ये वाला टर्म है ठीक है ये वाला टर्म है। ये है हमारे पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई ठीक है सीआर इक्वेशन क्या होता है मैं लिख देता हूँ एक बार और डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू तो डेल वी अपॉन डेल वाई एक तो होता है ये दूसरा रिलेशन होता है डेल यू अपॉन डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ठीक है ये वाला टर्म है यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे माइनस डेल यू ठीक तो है हम, हम ये वाला टर्म लिख देंगे और माइनस है और इसका स्क्वायर माइनस है इधर आ जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म अल्टीमेटली आपके पास में ये आ जाएगा ठीक है नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर फाइव क्या कर दो पुट इन इक्वेशन नंबर फाइव आप इसको इक्वेशन नंबर फाइव में पुट कर दीजिए तो equation number five में में करते ही ये किसके हो 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 जाएगा हो जाएगा 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 सीधा इसके से क्या हो जाएगा आपके पास रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल मतलब क्या रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल देन इक्वल्स टू टू मॉड ऑफ एफ जेड ठीक है ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया दैट इज स्को ये हमारे पास में आ गया इसका लाइक like फर्स्ट ए वाला जो है उसका प्रूफ आ गया नाउ अब हम बात करते हैं बी की बी में हमको क्या गिवन है आप उसको देखें बी पार्ट में आप देखें ये वाली चीज सेम है बट यहाँ पे क्या आ रहा? रहा है पूरा आ रहा है नॉट रियल पार्ट नॉट इमेजनरी पार्ट ठीक है यहाँ पे क्या है ओनली लाइक यहाँ पे एफ जेड है नाइर रियल और नॉट इमेजनरी सीधा आ जाएगा एफ एफ जेड लाइक मॉड एफ जेड का तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लाइक मॉड एफ जेड लिखना पड़ेगा मोड एफ जेड क्या होता, होता तो है वो क्या होता तो है स्क्वायर हो तो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा ओके okay? अब क्या करना अपने है आपने को ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है ना अब हम क्या करेंगे यहां से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ठीक है अब अगर आप देखेंगे यहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आई थिंक डैश है ठीक है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक है ओके चलो अब क्या करना है यहां से हम लाइक like हमने यहां से क्या निकाला था अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये वाली कंडीशन हमने किसके लिए निकाल ली थी यू के लिए निकाल ली थी ये वाली कंडीशन इक्वेशन नंबर फाइव में जो कंडीशन हमने यू के लिए निकाली थी अब वो कंडीशन हमको वी के लिए निकालनी पड़ेगी जैसे ये कंडीशन हमने पूरा इसको सॉल्व किया ऊपर से यहां तक जैसे हमने पूरा रियल के लिए सॉल्व किया वैसे अब हमको इमेजनरी यानी कि यहाँ पे वी स्क्वायर रख के इसको पूरा सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे सिमिलरली लिख देंगे सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव तो क्या हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यहां पे अपन लिखेंगे वी स्क्वायर जब हमने यहाँ लिखा था हमने यहाँ लिखा था यू स्क्वायर यू स्क्वायर लिखा था मतलब रियल की बात हो रही थी री अब रियल और को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ये तो चाहिए ना अपने को क्या चाहिए इक्वल हो जाएगा? इक्वल्स टू। यहाँ क्या आ जाएगा? आपके पास में टू आ जाएगा जो कि हम जो हमने यहाँ लिखा वैसा उसका उल्टा कर देंगे तो टू आ जाएगा वी है यू है तो वी लिख देंगे यहाँ पे अगर यू है तो वी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर ठीक है सिमिलरली

डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्स डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्तर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और येगा ये से, से, से अपने पास में क्या आएगा टू कॉमन आने पर यह क्या मिल रहा है यहाँ आप पे आपको सीधा अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइव में ये किसके इक्वल मिल रहा था एफ जेड का इक्वल मिल रहा था ठीक है अब इसको हम लिखना चाहें सिंपली अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम इसको क्या करते हैं लाइक उसका इक्वेशन नंबर फाइव में हमने xz जेड किया था तो यहाँ पे भी तो आपको xz जेड ही मिलेगा अब हम क्या करेंगे एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना यहाँ पे हमने इस वाले का सी आर रिलेशन लिया है इसकी जगह ये पुट किया पर अगर मैं इसकी जगह पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह थोड़ा सा समझना डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वाई अपॉन डे डेल अपॉन डेल वाई पुट कर दो अगर मैं ये वाला रिलेशन यहाँ पुट कर दूंगा तो ये वी के रेस्पेक्ट में आ जाएगा पर अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा बाहर तो वही रहेगा हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे इसकी जगह पे भी क्या लिख देंगे हम यहाँ पे एफ जेड ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये एफ एफ डैश जेड का मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैसा वैसा वैस एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा ठीक है वही वो प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे तो उसकी जगह हम ये लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे भी ये लिख देंगे चलो अब टू प्लस टू ठीक है ये भी टू है और वो भी टू है तो कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा वो भी टू और ये भी टू है तो फोर एफ डैश जेड मॉड ऑल स्क्वायर और यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ठीक है ये क्या हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर और ये क्या है मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर ये हमने ऊपर निकाला है अभी यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा फोर एफ डैश जेड का होल स्क्वायर और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था बी के अंदर आप देख सकते हैं यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था और के इक्वल लाना था हमको इसको ठीक है इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं अब अगर आपको ये पूछा तो आपको दोनों करने है। ठीक है अगर आपको जनरली दोनों पूछ लेते हैं पर कभी कभी एक पूछ लेंगे ज्यादातर चांसेस इसकी रहती है पर अगर ये भी पूछ ले तो ये तो कुछ नहीं करना है उसके आगे बस दो स्टेप बढ़ाना है आपको सिमिलर ले करके लिखना है उसको ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम इसी टाइप का है और थोड़ा सा

और कॉन्जुगेट की बात आ रही है यहाँ पे ये यह देखो ये किसके इक्वल कह रहा है डेल इसको समझना है है ये जो लिखा ना ये कॉन्जुगेट है जेड बार जेड बार मतलब कॉन्जुगेट होता है तो जेड बार इज इक्वल आप प्लस ले रहे हैं तो यहां आ जाएगा माइनस ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको एड कर देते हैं ठीक है अब एक्चुअली हमको आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से लाइक इन दोनों को अगर एड कर देंगे तो मैं इससे क्या करता हूँ जेड प्लस जेड बार कर लेता हूँ तो जेड प्लस जेड बार करने पे दोनों टर्म कैंसिल हो हो जाएंगे ये जाएगा अल्टीमेटली की वैल्यू से आपको मिलेगा टू आयोटा वाई एंड देन आयोटा जो मिल रहा है अपने को माइनस uh, कर रहा है ना जेड में से इसको तो जेड बार में से हाँ जेड में से जेड को माइनस कर देंगे जेड में से जेड को माइनस कर देंगे इसको इसमें से माइनस कर देंगे ना

ठीक है फिर हम निकालेंगे डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार तो भी आपको बाई टू मिलेगा ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री नाउ फिर बात करते हैं वाई अपॉन जेड की तो ये कितना आएगा माइनस आयोटा बाई टू हो जाएगा ठीक है और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार की बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आयोटा बाई टू दिस इक, इज इक्वेशन नंबर फोर ठीक है ये इक्वेशन नंबर फोर तक तो हमने यहां पे सारी वैल्यू निकाल ली अब देखो अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड की ठीक है अब एक्चुअली क्या होता है कि जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई से मिलके बना होता है ठीक है तो तो हम क्या तो हम क्या क्या कर कर रहे रहे हैं 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 के रेस्पेक्ट में लिख सकते है? दो बार लिख सकते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं दो बार लिख सकते हैं तो यहां से हम इसको कैसे लिखेंगे देखो ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखा उसको समझने की कोशिश करना डेल अपॉन डेल एक्स लिखा मैंने यहां पर डेल एक्स अपॉन डेल जेड लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें अगेन हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर तो क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई लिख रहा है डेल वाई अपॉन डेल जेड लिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा अल्टीमेटली टर्म आपको वही मिल रहा है तो अब देखो डेल अपॉन डेल जेड हम यहाँ से निकाल रहे हैं इसका वैल्यू हमारे पास में पड़ा है और इसका वैल्यू हमारे पास में है ठीक है तो क्या करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स इसका वैल्यू वन बाई टू है प्लस इसका वैल्यू निकालते हैं वो भी हमारे पास में ये हमारे पास में कितना है वाई बाई जेड माइनस आयोटा बाई टू है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बाई टू हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहां से वन बाई टू कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स माइनस सिमिलरली हम ऐसा कैसा किसके लिए करेंगे देल देल Z बार के लिए करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार इसका वैल्यू हमारे पास में पड़ा है हमने इक्वेशन ये हमने कहा लाया फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर ये हम कहा से लिखेंगे फ्रॉम आगे लिखेंगे आगे लिख देंगे नेक्स्ट टर्न में प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा और ये डेल वाई अपॉन डेल जेड बार हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर से हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो डेल अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स और इसकी वैल्यू क्या वन बाई टू तो यहाँ वन बाई टू लिख देंगे वन बाई टू प्लस डेल अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में आयोटा बाई टू है तो ये वन बाई टू कॉमन आ जाएगा एंड देन यहां से हमको मिल जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस से हमारे पास में इक्वेशन नंबर फाइव एंड इक्वेशन नंबर सिक्स आ गए अब हमको पूछ क्या रहा नाउ अब देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यहां से हम इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स को मल्टीप्लाई कर दें नाउ इक्वेशन नंबर फाइव इंटू इक्वेशन नंबर सिक्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड इन डेल अपॉन डेल जेड बार ओके इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वन बाई फोर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन बाई फोर हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इसको लिखना है ठीक है ओके सही है

हम यहां से इसको लिख सकते हैं डेल टू अपॉन डेल जेड बार इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे ये हमारा हो गया प्रूफ नंबर ए ए ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हो इस टाइप से हमने फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया ठीक है अब यहाँ पे एक्चुअली यही था ना अच्छा वन बाई फोर को इधर ले आओ ना हाँ ठीक है वन बाई फोर को इधर ले वन बाई फोर को इधर ले आओ बस ये हमको यहाँ से प्रूफ करना था आई होप आपको क्लियर होगा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस आपको यही ध्यान होना चाहिए इसको और इसको लिखना

इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए इसको मैं ए इक्वेशन दे देता ठीक है ये इक्वेशन ए हो जाएगी तो इक्वेशन ए से इसकी वैल्यू हम क्या देख सकते हैं डेल डेल टू अपॉन जेड ये देखना पड़ेगा किसके इक्वल प्रूव करना है यहां से हमको इसके के करना है ठीक है नाउ हमको क्या निकालना है डेल जेड डेल एफ डैश जेड निकालना है उसका मॉड यानी कि डेरिवेटिव का मॉड निकालना हमको क्या करना है डेरिवेटिव का मॉड निकालना ये हम कैसे निकालेंगे देखें इसको सिंपलीफाई करते हैं डेरिवेटिव का मॉड हमको यहां से फाइंड करना है अब हम क्या करते हैं यहां पे कि ये जो हमारा फोर है इसको हमने यहां पे लिखा ठीक है ये हो जाएगा फोर डेल टू अपॉन डेल जेड डेल जेड स्क्वायर डेल जेड बार यहां से हम क्या कर रहे हैं

डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ये आ गया हमारे पास में इसका मॉड तो अब देखो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास में ये किसके इक्वल होगी ये हमको निकालना पड़ेगा कैसे जो एफ डैश जेड है हम क्या करते हैं इसका बार निकाल देते हैं एफ का बार निकाल लेंगे इसका अगर बार निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल ये हो जाएगा अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा डेल यू का वो इस माइनस से आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर एट एंड इक्वेशन नंबर नाइन इक्वल है नाउ

2 डेल 2 अपॉन डेल z डेल z बार इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लॉग का फॉर्मूला लाइक ओपन कर लेंगे यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये f लॉग uh, ऑफ ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में होता तो प्लस हो जाएगा तो लॉग ऑफ f डश z प्लस लॉग ऑफ f डश z बार हो जाएगा अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे ये ये हमको है ना यहां पे गिवन है इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे तो कैसे करेंगे

डेल जेड तो ये तो हो जाएगा जीरो प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन एफ डेड बार और इसका एक बार और होगा ना क्योंकि तो ये फंक्शन जेड तो के रेस्पेक्ट में जेड बार कॉन्स्टेंट होता है तो टू जीरो प्लस यहाँ पे आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे जीरो मिल जाएगा आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेन चीज यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमको टू बाई टू करना है वन बाई टू को ये सारी चीज ये सब आपको स्पेशल क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए ठीक है आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे माई वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सो थैंक यू बाय बाय